देखते हैं कि क्या कुछ दुनिया भर के बाजारों का असर हमारे यहाँ पड़ता है, लेकिन इस बीच कोरोना को लेकर किस तरह से आप जीत सकते हैं जंग, ये दिखाने की कोशिश की है हमारी क्रिएटिव टीम ने। और वायरस से जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, दो लेटर, जी हाँ, आई और यू, मैं और आप। आप और हम मिलकर अगर सोशल डिस्टेंसिंग रखें, दूर दूर रहें, तो इससे जंग जीत सकते हैं। और वही मैं और दीप इस वक्त कर रहे हैं। मैं आज फिर से वर्क फ्रॉम होम और दीप हमेशा की तरह स्टूडियो में है। गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है शेयर बाजार लाइव में। दीप, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, एक लंबे वीकेंड के बाद एक बार फिर से ऑफिस में, और एक छुट्टी और आ रही है कल, तो मूड तो वैसे बेहतर ही है, पर हाँ, कोरोना की चिंताएं थोड़ी हावी हैं इस समय बाजार पर। बहुत सारे डिस्कशंस हैं जो अनिल जी के साथ करेंगे, बात करेंगे कि आज का सेटअप कैसे रहता है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज के अहम ट्रिगर्स कौन से हैं जिन पर हमारी नजर है। सबसे पहले तो डाउ फ्यूचर्स पर नजर डालिए। पिछले हफ्ते की अच्छी तेजी के बाद, 1974 के बाद सबसे अच्छा हफ्ता रहा अमेरिकी बाजारों के लिए, पर इस समय 350 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं डाउ फ्यूचर्स। वहीं एशिया के बाजारों की भी मिलीजुली शुरुआत है। सबसे बड़ी खबर इस समय, तेल उत्पादन घट सकता है 97 लाख पर बैरल। बाजार का अनुमान 1 से 1.5 लाख बैरल पर डे का था, पर इससे क्या प्राइसेस में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, अनिल जी से पूछेंगे बस थोड़ी देर में। HDFC चीन के सेंट्रल बैंक ने हिस्सा बढ़ाकर अब 1% के ऊपर किया, इसका क्या इंपैक्ट होता है ये भी अनिल जी हमें बताएंगे। और 30 अप्रैल तक बढ़ सकता है लॉकडाउन, संकेत तो यही आ रहे हैं, पूरे देश में लॉकडाउन बढ़ सकता है, कुछ राज्यों ने तो ऑलरेडी लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया है। अनिल जी, आज की बड़ी बातें करें तो बाजार पर फोकस है, तेल पर फोकस है, भारतीय बाजारों की दिशा कैसी रहेगी इस पर भी फोकस है, पर इस वीकेंड जो सबसे बड़ी खबर आ रही थी सर, वो ये थी कि HDFC लिमिटेड, कंट्री के दिग्गज फाइनेंशियल ग्रुप में चाइना के सेंट्रल बैंक ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। अब वो हिस्सेदारी 1% से ज्यादा कर दी है, पहले भी हिस्सेदारी थी, अब बढ़ाकर 1% से ज्यादा कर दी है, इसलिए डिस्क्लोजर आ गया है। थोड़े निवेशक चिंतित हैं इस पर, बहुत सारी राय भी आ रही है, आप इस डेवलपमेंट को सर कैसे देखते हैं? दीप, ये डेवलपमेंट वैसे देखा जाए तो कहीं कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्या पीपल्स बैंक ऑफ चाइना पहले से निवेशक नहीं था? बिल्कुल था। पहले और अब में हिस्सेदारी में कितना फर्क आया? मुश्किल से कुछ, 0.8% एक साल पहले थी, और अब मार्च 2020 में 1%, यानी कि 0.2%, 1/4% हिस्सेदारी बढ़ाना क्या वाकई में बड़ा इम्पोर्टेंट है? जी नहीं। क्या पीपल्स बैंक ऑफ चाइना पहला और आखिरी इन्वेस्टर है जो HDFC लिमिटेड में गिरावट में शेयर खरीद रहा? जी नहीं। क्या चीन के और कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके हिंदुस्तान की कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, या फिर इस पीरियड में जब बाजार कमजोर हुए हों तब चीन के दूसरे इन्वेस्टर्स ने हिंदुस्तान की कंपनियों में पैसा नहीं लगाया होगा? इसका जवाब भी ना है। तो फिर सिर्फ HDFC लिमिटेड जैसी दिग्गज कंपनी में चीन का एक बैंक अगर अपनी हिस्सेदारी थोड़ी बढ़ाता है, जो कि एक पुराना इन्वेस्टर, तो इतनी हाय तोबा क्यों, इतनी चर्चा क्यों, इतनी बातचीत क्यों? और इसकी वजह हमारे यहाँ नहीं है, न HDFC लिमिटेड में है, न हिंदुस्तान में, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ चीन में है। पिछले 4 महीनों में दिसंबर के बाद से जो कुछ दुनिया में हुआ है उसको देखते हुए चीन के कामकाज, चीन की नीयत पर सबको शक और संशय है, और शायद कुछ हद तक सही भी। न सिर्फ हम बल्कि अमेरिका और दुनिया भर के कई सारे देश ऐसे हैं जो चीन को इस वक्त शक की नजरों से देख रहे हैं कि दुनिया को जो चीन ने एक गिफ्ट दिया है कोरोना वायरस का, क्या वो एक सोची समझी साजिश है? अब इसका जवाब मेरे पास तो कम से कम नहीं है कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन एक बात तय है कि चीन की इज्जत वो पहले जैसी तो बिल्कुल भी नहीं रही। पहले भी चीन को हमेशा शक की नजर से देखा जाता था, अब कोरोना के बाद तो शक के बजाय लोगों का, पूरी दुनिया का यकीन होता दिख रहा है कि चीन वैसा नहीं है जैसा आपको दिखता है, या फिर जैसा आप सोचते थे उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो ऐसे में ट्रिगर पॉइंट क्या है डिस्कशन का? ट्रिगर पॉइंट एक छोटी सी स्टेक HDFC लिमिटेड में बढ़ना है, लेकिन इसके चलते कुछ चीजें ऐसी है जो हमें सीखनी, समझनी और बातचीत करना जरूरी है। क्या ये वाकई में इतना बड़ा मामला है? मैं फिर से कहूंगा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये मामला ऐसा जरूर है जिसके दम पर एक चीज, एक बातचीत जरूर देश में हो जानी चाहिए कि क्या हमें भी स्पेन, इटली और जर्मनी की तरह चीन से आने वाले पैसे की क्वालिटी और उनके इंटेंशन पर नजर रखनी चाहिए। तो इसका जवाब है मेरा हाँ, जी हाँ। चीन का पैसा कहीं भी किसी भी फॉर्म में आए
वो हिंदुस्तान को ले लेना शायद अब ठीक नहीं होगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से स्पेन, इटली, जर्मनी ये सोचता है कि चीन हमारे यहां वायरस फैलाकर हमारी बेहतरीन कंपनियों पर कब्जा करना चाहता है, वहां स्टेक बढ़ाना चाहता है, अपना पैसा वहां लगाकर हमारे यहां पैर जमाना चाहता है, अगर हम भी ऐसा सोचे तो उसमें गलत क्या है? तो पहली चीज ये कि हमें कम से कम अलर्ट हो जाना चाहिए, हमें से मतलब है हमारी सरकार को, कि किस तरह से चीन का पैसा हमारी कंपनियों में आ रहा है और उसकी क्वालिटी और उसका इंटेंशन दोनों देखना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है, दुनिया भर को चीन ने वायरस दिया है और हमने क्लोरोक्वीन दवाएं दी है, ये बड़ा फर्क है हिंदुस्तान में और दूसरों में। तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है दुनिया भर में। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी के ने पूरी दुनिया भर में हिंदुस्तान की जो एक बेहतरीन इमेज बनाई है, इस इमेज के टेक ऑफ करने का वक्त है। टेक ऑफ करने का वक्त ये है कि एक और हिंदुस्तान के बराबर की ज्योग्राफी वाला, बराबर की पॉपुलेशन वाला चीन ऐसा देश है जो दुनिया भर में लोगों को परेशान कर रहा है अपना वायरस देकर, उसी वक्त हिंदुस्तान दुनिया भर में क्लोरोक्वीन की दवा दे रहा है। तो हमारे लिए ये एक बहुत बढ़िया मौका है कि हम अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट करें कि हम दुनिया के दोस्त हैं, हितेशी हैं, शुभचिंतक हैं, और वो हम है भी, कहने के लिए नहीं है, हम करने के लिए हैं। तो दूसरी बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ा मौका हमारे लिए ये कि हम दुनिया के सामने ये दिखाएं कि हम दुनिया के दोस्त हैं और मुसीबत में हम काम आने वाले हैं, मुसीबत देने वाले नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात जो बड़ी बात है वो ये कि दिल से आप किसी भी देश को पूछें, और जो जर्मनी, चीन, इटली कर रहा है, जर्मनी, इटली और स्पेन कर रहा है, वो साफ तौर पर यह बताता है कि दिल से बहुत सारे देश अब ऐसे हो चुके हैं जो चीन के साथ कारोबार नहीं करना चाहते। जी हाँ, चीन के साथ कारोबार नहीं करना चाहते, उनकी मजबूरी है। मजबूरी क्या है? दो तरह की, या तो चीन के बजाय कोई और वो प्रोडक्ट्स बना नहीं रहा, या चीन इतने सस्ते बना रहा है कि उसके चलते उनकी मजबूरी है वहीं से खरीदने की। तो हमारे लिए हिंदुस्तान में इस वक्त एक ऐसा बेहतरीन मौका है कि ये जो पूरी दुनिया का सेंटिमेंट है, उस सेंटिमेंट को ध्यान रखते हुए हम कुछ ऐसा करें जिससे कि चीन का कारोबार हमारे यहाँ शिफ्ट हो सके। जो दुनिया भर की मजबूरी है कि जो 17% कंट्रीब्यूशन दुनिया भर की जीडीपी में चीन का आता है, 28-30% कंट्रीब्यूशन उनका दुनिया भर के प्रोडक्शन में आता है, उसमें से कितना बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान अपने यहाँ खींच सकता है इस तरह की पॉलिसी बनाकर। आई एम श्योर इस वक्त जो माहौल है उसको देखते हुए अगर हम थोड़ा सा चीन से महंगा भी बनाकर बेचेंगे ना, तब भी दुनिया हमारे पास आएगी और हमसे खरीदेगी, ये सोचकर कि नहीं, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर हमें कंफर्ट और कॉन्फिडेंस है। और आखिरी चीज जो मैं और आप मिलकर कर सकते हैं दीप, और जो हमें करने के बारे में सोचना चाहिए, वो ये कि क्या आप और हम चीन के प्रोडक्ट्स का कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम ये प्रण ले सकते हैं कि अगर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हों जो थोड़े महंगे भी हो, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिसका सब्स्टिट्यूट हिंदुस्तान में अवेलेबल है, क्या हम कोशिश कर सकते हैं कि हम वो प्रोडक्ट खरीदें बजाय इसके कि हम प्रोडक्ट चीन वाले खरीदें? कई सारे मोबाइल फोन, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ये बनते हैं, ठीक है आप जो खरीद चुके हैं वो खरीद चुके हैं, चलिए उन्हें इस्तेमाल कीजिए, लेकिन क्या अब से आगे हम कम से कम इतना सोच सकते हैं कि हम ये कोशिश करें कि चीन के उत्पादों को ना खरीदें, या कम से कम खरीदने की कोशिश करें? मैं ये समझता हूं कि इनडायरेक्टली हमारा, हमारी इकोनॉमी के लिए और दुनिया भर के लिए ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम कोरोना के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, आप कोरोना के लिए देश के लिए कम से कम ये तो कर सकते हैं कि चीन के उत्पादों का कम से कम इस्तेमाल करें। तो मेरा ये समझना है कि करने को बहुत कुछ है, और भले ही HDFC लिमिटेड में चीन के किसी पीपुल्स बैंक की तरफ से थोड़ी सी स्टेक बढ़ी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, इसे कोई बहुत हाय तोबा की तरह देखने की भी जरूरत नहीं है, ये एक सामान्य निवेश हो सकता है। लेकिन एक सामान्य निवेश आपकी आंखें खोलने वाला होना चाहिए, आपको अलर्ट पर लाने वाला होना चाहिए, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लिए बड़ा वक्त है जब हम सब लोग अलर्ट हो जाएं, सावधान हो जाएं, चेत जाएं कि कहीं ऐसा ना हो बैकडोर से आकर चीन बहुत कुछ दुनिया भर में तहलका मचा दे, दुनिया भर की कंपनियों को खरीदने की कोशिश करें। और हर एक देश इस मामले में सावधान हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आज का आज हमारी सरकार को कोई एक्शन ले लेना चाहिए, बहुत ओवर रिएक्शन होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, और आई एम श्योर हमारी सरकार इस मामले में बिल्कुल अलर्ट होगी और उन्हें पता होगा कि चीन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है और क्या करना चाहता है। अगर हम इतने जागरूक और सावधान हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। दीप,
बिल्कुल अनिल जी, ये आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि जागरूक होना जरूरी है, अलर्ट होना जरूरी है। 1% ही है उस बैंक में जिसमें 70% प्लस FPI होल्डिंग है, तो इतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है। बट हाँ, चीन बढ़ा रहा है, इसके लिए जागरूक होना जरूरी है। शायद भारत सरकार से आगे एक्शन भी आ सकता है, उस पर नजर रहेगी। पर अनिल जी, आज मार्केट्स की बात करें तो एक इंटरेस्टिंग रिसर्च हमारी टीम ने निकाली है सर। 2008 और 2020 को कंपेयर करा है और दोनों केसेस में दिखाया है कि पहले पड़ाव में मार्केट गिरता है, फिर रिकवरी आती है, फिर दूसरे पड़ाव में गिरता है, फिर रिकवरी आती है, और तीसरे पड़ाव में गिरता है और फिर रिकवरी आती है। और उससे थोड़े चिंताजनक संकेत भी आ रहे हैं और थोड़े कॉन्फिडेंस के भी संकेत आ रहे हैं सर। चिंताजनक इसलिए क्योंकि अभी हम एक बार गिर के अच्छी तरह रिकवर हुए हैं, दूसरी बार जब गिरावट आती है तो पिछली बार लगभग 40% की आई थी, और जब तीसरी गिरावट आई थी तो 65% की आई थी। तो अगर इस बार सर 65% की गिरावट आती है तो फिर लेवल्स तो कुछ बहुत ही नीचे के आ रहे हैं, क्या इतना बाजार गिर सकता है? देखिए दीप, दो चीजें और मैं बताऊं कि हमारी रिसर्च टीम ने सिर्फ और सिर्फ इन डेटा को वेरीफाई करने का काम किया है। ये डेटा ओरिजिनेट हमारे यहां से नहीं हुए हैं। इस वीकेंड पर पूरे सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पर ये डेटा चल रहा था कि 2008 में ऐसा हुआ, क्या 2020 में ऐसा होगा। पहली चीज मैं बहुत साफ कर दूं आप लोगों को कि अगर आप किसी एक फॉल के बेसिस पर अगर आप अगला फॉल प्रेडिक्ट करना चाहते हैं या एक राइज के बेसिस पर अगली रिकवरी को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, अनुमान लगाना चाहते हैं, तो यह निहायत ही बेवकूफी वाली बात होगी, बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, इतिहास अपने आप को दोहराता है, लेकिन इतिहास दोहराता है इसका मतलब यह नहीं ये शेयर बाजार का इतिहास है। ये कोई राजा महाराजाओं का इतिहास नहीं कि वो ऐसे के ऐसे दोहरा दे। शेयर बाजार के इतिहास में आपको सिर्फ एक गिरावट या एक बढ़त से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ लंबे डेटा लेकर देखने होंगे। हाँ, आप अपनी सुविधा के हिसाब से ये कंपेयर कर सकते हैं और वो राइट भी है कि किस तरह से 2008 का पहला फॉल था वो पहला फॉल और 2020 का पहला फॉल और उसकी रिकवरी सिमिलर आती हुई दिखी है। 2008 में पहला फॉल 30% था, रिकवरी 25% थी। हमारे यहाँ पहला फॉल 31% का था लेकिन रिकवरी सिर्फ 19% की आई, 10,159 के आसपास की। तो पहली चीज, हमने रिकवरी थोड़ी सी कम दी है। दूसरा फॉल जो 2008 में हुआ वो 40% का था और रिकवरी आई 23% की। अब तक हम 9,131 का हाई बना चुके हैं। उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो हम भी लगभग 21% के आसपास रिकवर हो चुके हैं, 21-22%, और हमारे यहाँ 7,511 से हम रिकवर हुए हैं, तो कमोबेश वही होता हुआ दिख रहा है। अब तीसरी और इम्पोर्टेंट बात जो दीप है, जिस पर हमें फोकस करना है, 2008 का फाइनल फॉल जो था वो इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फॉल है, जहां पर आपने 65% की इंट्राडे में गिरावट देखी और 61% की क्लोजिंग बेसिस पर। चूंकि ये डेटा इंट्राडे बेसिस पर है, उस लिहाज से अगर आप देखें तो 65% अगर आप गिरने के बारे में सोचते हैं तो ये लेवल आता है 4,350 का निफ्टी पर, ठीक है। और अगर आप 2001-02 के फॉल को देखते हैं तो उस समय आप 51% गिरे थे, और 51% नहीं, 50% में राउंड फिगर पर मानकर चलूं तो वो फॉल आता है 6,215 के आसपास का, ठीक है। अब इनमें से क्या कुछ हो सकता है, दो चीजें साफ साफ कहना चाहता हूं। पहला, किसी भी एक फॉल के बेसिस पर इस फॉल को एक्स्ट्रापोलेट करना या ये सोचना कि ऐसा का ऐसा होगा, ये कहीं कोई जस्टिफाइड नहीं है। हमने बाजार का बेस और बॉटम कब और कैसे बनेगा, अगर हमने उसे पढ़ा तो दो बेसिस पर पढ़ा। अब तक जितना निफ्टी गिरा है लगभग 35% के आसपास, उससे ज्यादा बड़े फॉल कितने हुए हैं, वो दो फॉल हुए हैं 2001 और 2008 के। हमने वहीं से उन दोनों फॉल के साथ मिलाकर बेस और बॉटम फॉर्मेशन कैलकुलेशन करने की कोशिश की। उससे छोटे फॉल 2500 हुए हैं, 20% 25% 30% 35% के, हमने उन्हें नहीं गिना। तो पहली चीज है कि आपको क्या चीज गिननी है वो समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज, अब समझिए, मान लीजिए कि 2008 और 2020 में समानता है और बाजार फिर से वही करे, तो फिर सवाल ये आता है कि क्या हमने 7,500 पर बॉटम बना लिया, क्या हम 50% 6,250 तक गिर सकते हैं, या फिर वर्स्ट केस सिनेरियो में 4,350 का जो 65% का फॉल होता है वो हो सकता है। अब यहां पर आइए, यहां दो तीन चीजें। पहली चीज, सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो लेते हैं दीप, 4,350, क्या वहां तक जाने की संभावना है? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, नहीं के बराबर। किसी भी चीज को आप
साफ मना तो नहीं कर सकते, स्टॉक मार्केट है, लेकिन उसकी अपनी वजह है। वो वक्त अलग था 2008 का और ये वक्त अलग है। तो इस लिहाज से आप अगर ये सोचते हैं कि 65% बाजार गिर जाएंगे, तो कम से कम मैं तो उस खेमे में नहीं हूं जो इतना खराब सोचता हो। और उसकी अपनी दो वजह है। पहली वजह 2008 में और 2020 में एक बड़ा फर्क है, वो है हमारे अपने पैसे का। आपने मार्च महीने के आंकड़े देखे, मार्च महीने के महीने में भी हिंदुस्तान में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का पैसा बढ़कर आया है। ये ताकत दिखाता है कि हमारे इन्वेस्टर समझदार हो रहे हैं। आप सोचिए, इस बार पहली बार मैंने 2008 और 2020 में एक फर्क देखा है। 2020 में सारे इन्वेस्टर्स मुझे अब रोज ये पूछते हैं, सर कब लेना है, कब लेना है, कब लेना है, जबकि 2008 में हर लेवल पर, चाहे वो मार्केट उछल कर आए या गिरता रहे, एक ही चीज पूछते हैं, बेच दे, बेच दे, बेच दे। तो ये बड़ा फर्क है। इन्वेस्टर्स मेच्योर और समझदार हो रहे हैं और पैसा लगाने को तैयार है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, हमारे मार्केट पहले से ज्यादा लिक्विड और ज्यादा इन्वेस्टर्स से बन चुके हैं। पहले इन्वेस्टर्स गिनती के होते थे, अब इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा हैं। तीसरी चीज ये कि हो सकता है जिस तरह के माहौल में हम गिरे हैं, चाइना की बजाय इंडिया एक प्रेफरेंस बनता हुआ दिखे विदेशी निवेशकों के लिए। तो कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे बाजारों की गिरावट को उतनी नहीं करेगी जितना आप सोच रहे हैं। तो मेरा ये समझना है 4350 कंप्लीटली रूल्ड आउट। अब आइए, क्या 50% वाले फॉल 6215 तक जा सकते हैं? मैं ये कहूंगा इसकी संभावना बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। और वो संभावना तभी बनती है दो ही केस में। पहला कि आप अमेरिका में सिचुएशन बेकाबू होते हुए देखें कोरोना की। अमेरिका में 27,000-28,000 केस कल के हैं। कमोबेश आप ये कह सकते कि अब वहां रन रेट जो है वो 30,000 के आसपास, 5,000 ऊपर 5,000 नीचे वाली बन चुकी है। और सिचुएशन बहुत खराब नहीं हो रही है, बहुत अच्छी नहीं हो रही है, स्टेबल है। जितनी खराब है उतनी ही खराब है। भगवान न करे अगर अमेरिका में सिचुएशन और बिगड़ जाती है तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो सकती है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अगर चलिए अमेरिका में अभी जो सिचुएशन है वही है, लेकिन क्या इंडिया में सिचुएशन बिगड़ सकती है? अगर हमारे यहाँ अमेरिका की तरह कम्युनिटी स्प्रेडिंग वाला मामला, या फिर कम्युनिटी स्प्रेडिंग ना भी कहो तो हमारे यहाँ कम्युनिटी स्प्रेडिंग वाला मामला हो जाए और हमारे यहाँ केसेस लाखों में पहुंच जाए, तो फिर क्या हम 7,500 को तोड़कर नीचे नहीं जा सकते? तब बिल्कुल जा सकते हैं। तो अगर हमारा कोरोना हमारे से काबू में नहीं आया तो ये दूसरी चीज हो सकती है। तीसरी और एक रिमोट चीज जो शायद बहुत लोग सोचे ना, और अगर सोचते हैं तो खुलकर बोले ना, उस पर मैं एक बात करना चाहता हूं दीप। और वो ये तीसरी चीज ये कि अगर कोरोना सब कुछ ठीक से निपट जाता है, चलिए आप मई जून तक आप कोरोना से निपट लेते हैं, जिस तरह से चीन ने 3-4 महीनों में निपटा, अमेरिका 3-4 महीनों में निपट ले, हम भी 3-4 महीनों में निपट लें, जून जुलाई आते आते सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन क्या उसके बाद दुनिया में कुछ ऐसा हो सकता है? मैं एक जस्ट फूड फॉर थॉट, मैं आपके सामने एक सिर्फ बात रख रहा हूं, वो हो सकता है क्या? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि यूरोप, ब्रिटेन, अमेरिका, हिंदुस्तान, दुनिया के सारे देश चीन से नाराज होकर कुछ ये सोचें कि भाई बहुत चीन ने परेशान किया, कुछ तो हमें चीन के अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहिए। वो एक्शन किस तरह का हो सकता है? इकोनॉमिक एक्शन हो सकता है, चीन को अलग थलग करने की कोशिश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। या चीन फिर डिसरप्शन करने की कोशिश करे कि मैंने अमेरिका की ट्रेजरी में जो पैसा लगाया मैं उसके बदले में सारा पैसा निकालूंगा, मैं बेचने जाऊंगा, लीजिए खरीदिए। किसी तरह का कोई बड़ा डिसरप्शन क्या दुनिया में हो सकता है 3-4-6 महीने बाद? इसका जवाब मेरे पास नहीं है और ये सिर्फ एक गेस है, एक सिर्फ अंदाजा है या एक पॉसिबिलिटी का मैं आपके सामने पिक्चर रख रहा हूं। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर डेफिनेटली आप 50% के फॉल तक आराम से जा सकते हैं, तब 6,200-6,500 की रेंज आपके लिए आ सकती है। हालांकि उससे पहले 7,500-7,600 आपके पास बेहद स्ट्रांग सपोर्ट है। और अभी की सिचुएशन को देखते हुए मैं फिर से ये कहूंगा कि वो आसानी से नहीं टूटेगा, टूटना भी नहीं चाहिए। और हम लगातार जब से ये फॉल शुरू हुआ है 12,000, 11,800, 11,500 से, मैं एक ही चीज आपको कह रहा था कि मार्च का महीना आपको निकालना है, मार्च के महीने खून के आंसू पीने पड़ेंगे। मार्च का महीना निकल गया, अप्रैल राहत भरा महीना है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो सबसे बुरा वक्त था मार्च का, शायद हम उसे पीछे छोड़ चुके हैं और अब वापस वो सिचुएशन ना आए, या कम से कम जल्दी ना आए, या आए तो फिर कुछ दुनिया भर में वापस से ऐसा कुछ हो जाए जो आपकी और मेरी समझ या सोच के परे है, तब तो अलग बात है। अदरवाइज मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। आप ये मानकर चलें कि शायद मार्च का सबसे खराब वक्त था जो हमने गुजार लिया, अब उतनी खराबी ना हो, ये मेरा पर्सनल सोचना है। ओके, तो मार्च का जो महीना था, और अनिल जी ने पहले भी कहा था कि खून के आंसू रोने पड़ेंगे, शायद वो सबसे बुरा दौर था, तो उतनी खराब गिरावट नहीं हो सकती। गिरावट फिर भी आ सकती है पर उतनी खराब नहीं होगी। तो सर फिर आज के सेटअप की बात करें, जिस तरह के ग्लोबल और डोमेस्टिक क्यूज आ रहे हैं,
आज के सेटअप की बात करें दीप, उससे पहले मेरे को एक ना अपडेट चाहिए आपसे। पहले तो दुनिया भर के बाजारों में कोरोना में क्या सिचुएशन है दुनिया में वो बताइए, और फिर मैं इंडिया का अपडेट आपसे लेता हूँ, उसके बाद में ग्लोबल मार्केट्स को विश्लेषण करूंगा। तो पहले बताइए अमेरिका में क्या चल रहा है। सर, अमेरिका में तो अभी भी चिंताजनक सिचुएशन है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में लगभग 27,000 नए मामले सामने आए हैं। तो 30,000 की जो एवरेज आ रही थी वो अब 27,000 हो गई, तो थोड़ी कमी वहां पर आई है। न्यूयॉर्क से भी एक अच्छी खबर ये आई है कि जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट था, या जितने लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा था, वहां पर भी थोड़ी गिरावट है। पर अगर आप सिर्फ न्यूयॉर्क की बात करें सर, तो न्यूयॉर्क में मरने वालों की संख्या 9,000 से ज्यादा है। न्यूयॉर्क में मामले, सिर्फ न्यूयॉर्क स्टेट में मामले लगभग 2,00,000 के करीब हैं। यानी कि आप अमेरिका निकाल दें और न्यूयॉर्क को एक देश की तरह देखें, तो अमेरिका छोड़कर बाकी देशों से सबसे ज्यादा केसेस और सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या आपको सिर्फ न्यूयॉर्क में मिलेगी। अमेरिका की बात करें तो वहां पर भी 5,50,000 से ज्यादा मामले हैं और 22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तो सबसे ज्यादा लोगों की मौत भी अब अमेरिका में ही है। पहले ये इटली का नंबर था, अब ये अमेरिका में आप देख रहे हैं। यूरोप की बात करें तो सिर्फ यूरोप में मरने वालों की संख्या अब 75,000 से ज्यादा हो गई है। और इटली और स्पेन तो चिंताजनक हैं ही, पर जैसे हम बता रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से फ्रांस, यूके, जर्मनी और अब बेल्जियम, यहाँ पर भी केसेस तेजी से भर रहे हैं। बल्कि यूके की बात करें तो अब यूके में भी चाइना से ज़्यादा मामले हो गए हैं। 85,000 मामले अब आपको यूके में दिखेंगे और 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। कल सिर्फ यूके में 5,500 से ज़्यादा नए मामले सामने आए। पर एक अच्छी खबर यूके की ये भी है कि बोरिस जॉनसन, उनके प्रधानमंत्री, जो 3 दिन के लिए आईसीयू में थे, अब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। उनका रिकवरी पीरियड अभी भी चलेगा, पर अच्छी खबर यह है कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। बाकी देशों की बात करें तो कोरोना की चिंता जरूर हावी है सर इस समय। और भारत की भी बात करें तो जैसे कि हम देख रहे हैं 9,200 से ज्यादा मामले आपको इस समय भारत में दिखेंगे। एक्टिव मामलों की संख्या भी अब 8,000 के करीब आ गई है और मरने वालों की संख्या भी अब बढ़कर 331 हो गई है। महाराष्ट्र और मुंबई दोनों में ही चिंताएं बढ़ी हैं। आज धारावी में 15 नए मामले मिले हैं, ऐसी सूचना आई थी थोड़ी देर पहले, और महाराष्ट्र में भी लगभग 2,000 नए मामले हो गए हैं। हालांकि कई राज्यों ने अपने लॉकडाउन बढ़ा दिए सर, पर चिंता तो जरूर है। ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों लेवल पर अगर आप देखें तो कोरोना की चिंता काफी हावी है सर इस समय। जी दीप, तो बात वही है कि कहीं कोई कोरोना को लेकर ऐसा बड़ा रिलीफ नहीं है। अब आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे देखना चाहें। नेगेटिव सोचना चाहें तो आप ये कहेंगे कि वही रन रेट है, उसी तरह से कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। दूसरी तरफ आप कंफर्ट लेना चाहें तो ये कह सकते हैं कि रफ्तार उतनी ज्यादा नहीं है और अलार्मिंग नहीं है। बात सही है, तो मुझे लगता है कि आपको जिस तरह से पढ़ना है वैसे पढ़ें, तो मेरे लिए एक तरह से संकेत न्यूट्रल है। जहां तक लॉकडाउन का सवाल है, कमोबेश ये आप में सब लोग मानकर चल रहे हैं कि लॉकडाउन तो बढ़ना ही है, और जिस तरह से 7 या 8 राज्य ऑलरेडी एक्सटेंड कर चुके हैं इस महीने के अंत तक। अब एक फॉर्मेलिटी वाली बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि भाई लॉकडाउन लंबा चलेगा। अब इस लॉकडाउन में किस तरह से धीमे धीमे किस सेक्टर्स को, किन इंडस्ट्री को खोला जाएगा, वो देखने वाली बात है। तो मेरे लिए कोरोना का जो अपडेट है वो नेगेटिव से न्यूट्रल साइड पर मैं मानकर चलता हूं। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ा अपडेट है, वो है कच्चे तेल को लेकर, जहां पर एक सहमति बनी है कि प्रोडक्शन कट कितना होना चाहिए। उम्मीद से कम प्रोडक्शन कट किया है, लेकिन उसके बावजूद कच्चे तेल के दाम बहुत बढ़ नहीं रहे। लेकिन एक फैसला हो जाना, मुझे लगता है कि ये ग्लोबल मार्केट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कैसे? अब आपको और मुझे कम से कम ये पता है कि कच्चे तेल का प्रोडक्शन कितना रहेगा। 97,00,000 बैरल जो कम किए हैं, उस लिहाज से आपको अब पता चल चुका है कि प्रोडक्शन ये होना है। और अब हर रोज आपको इस प्रोडक्शन के आंकड़ों में कम या ज्यादा होने का ये वो खतरा खत्म हो चुका है। तो क्रूड के फंडामेंटल सब आपके सामने आ चुके हैं, और ये सब आने के बावजूद अगर कच्चा तेल $32-$33 के आसपास है, तो आप एक बड़ा कंफर्ट ले सकते हैं हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए, जो है वो ये कि कच्चे तेल को लेकर हमारी चिंताएं अब कम हो जानी चाहिए, और ये एक लंबे समय के लिए हमारे लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर बन चुका है कच्चे तेल का कम होना। तो मैं उस लिहाज से ग्लोबल मार्केट से एक न्यूट्रल संकेत ले रहा हूं कोरोना को लेकर, और दूसरा पॉजिटिव संकेत ले रहा हूं मैं कच्चे तेल को लेकर। ओके, एक पॉजिटिव संकेत ले रहे हैं कच्चे तेल को लेकर। तो सर, आज की अगर सेटअप की बात करें और ग्लोबल से शुरुआत करें, तो क्या ये जो कच्चे तेल में कटौती है, हालांकि उतनी बड़ी नहीं है जितना अनुमान था, इससे थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी सर? बिल्कुल, स्टेबिलिटी आने की पूरे पूरे चांसेस हैं, और मुझे लगता है कि अब आप ये कह सकते हैं कि नीचे में $27-$28-$30, ऊपर में $35-$37, इस रेंज में कच्चा तेल ट्रेड करता रहेगा, वक्त बिताएगा, और उससे आपको अब मैं सबसे बड़ी चीज दीप इंपॉर्टेंट यही है कि आप किसी भी एसेट क्लास को लेकर अनिश्चित न रहे।
आपको ये पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, और कच्चे तेल में सबसे बड़ा कंफर्ट हमें वहीं से आएगा। और इसलिए मैंने ग्लोबल संकेत आज न्यूट्रल रखे हैं। एफआईज के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, घरेलू फंड्स के संकेत इतने दिनों से न्यूट्रल चल रहे थे, आज नेगेटिव हैं। वायदा कारोबार के संकेत आज मैंने फिर से नेगेटिव साइड पर लिए हैं, सेंटिमेंट न्यूट्रल है और ट्रेंड नेगेटिव साइड पर आज के लिए। ओके, तो ये है आज का ग्लोबल सेटअप, और एफआईएस पॉजिटिव क्यों है ये भी अनिल जी से बाद में जानेंगे। पर अनिल जी, आज के अगर रेंज की बात करें, आज के अगर अहम सपोर्ट जोन्स की बात करें, तो ये किधर आ रहे हैं सर? 8600-8800 अब निफ्टी पर एक तरह से मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और 19200 बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। हायर रेंज जो बनकर आती है वो 9100 से लेकर 9500 की थोड़ी लंबी है, बड़ी है। आप कहेंगे अनिल जी बहुत बड़ी दे दी रेंज, लेकिन हाँ थोड़ी सी बड़ी रेंज निकल कर आ रही है। आप चाहें तो इसे 9200 से 9500 मान लें, और 20500 से 21000 ये आपके लिए रेंज होगी बैंक निफ्टी की ऊपर की तरफ के सेल जोन। अब आज की रेंज आपको दे दूं, 9200 निफ्टी पर आज की छोटी रेंज है, 8800 से 9400 ये आज की मीडियम रेंज है, और 8750 से लेकर 8950 माफ कीजिएगा 8750 से लेकर 9500 ये आपके लिए आज की बड़ी रेंज है। 8750 नीचे का लेवल ले ले, 8950 के बजाय इसे 8750 कर ले, 8750 9500 ये आपके लिए बड़ी रेंज होगी निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 19600 से 20300 ये आज की छोटी रेंज है, 19200 से 20500 ये आज की मीडियम रेंज होगी आपके लिए, और 19000 से लेकर 21000 की यानी कि 1000 पॉइंट आप दोनों तरफ गिन लीजिए, ये आपके लिए आज की सबसे बड़ी रेंज होगी, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की रेंज। ओके, तो काफी बड़ी रेंजेस निकल के आ रहे हैं जहां तक निफ्टी बैंक निफ्टी का सवाल है। देखते हैं तीन दिन की छुट्टी के बाद, जहां पर ग्लोबल मार्केट्स की भी छुट्टी रही, आज बाजार कैसे एडजस्ट होते हैं। अनिल जी, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस जिनकी है उन्हें क्या करना चाहिए सर? ओके, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन में दो स्टॉप लॉस ले रहा हूं दीप। पहला स्टॉप लॉस है 9000 का, जो डे ट्रेडर्स हैं उन्हें 9000 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर आप 9000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो वो होगा 8750 का। बैंक निफ्टी के लिए आपका इंट्राडे का स्टॉप लॉस होगा 19600 का, और क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस दूर है। आप कहेंगे बड़ा दूर दे रहे हैं, लेकिन पॉइंट यही है कि दूर ही निकल कर आ रहा है, तो 19000 का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी पर होगा आपका क्लोजिंग बेसिस पर, ये लॉन्ग पोजिशन के लिए। शॉर्ट पोजीशन के लिए इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों पर मैंने स्टॉप लॉस एक ही दिया है, वो है 9200 का। 9200 के पार निकले तो फिर शॉर्ट में रहिए, बहुत ज्यादा आप करना चाहते हैं 9250 रख लें, लेकिन मेरे ख्याल से 9200 भी काफी है। और बैंक निफ्टी पर आपका स्टॉप लॉस होगा 20500 का, 20500 के पार निकल कर ट्रेड करें या 20500 के ऊपर बंद होते हुए दिखे तो फिर बैंक निफ्टी की भी शॉर्ट पोजिशन में से आप एग्जिट कर लीजिए। ठीक है सर, तो ये है आपकी अगर एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशंस हैं या एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस हैं। आज सर नई पोजीशंस कैसे लेंगे, ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है। देखिए, जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं निफ्टी, उनके लिए स्टॉप लॉस होगा 9200 का, स्ट्रिक स्टॉप लॉस होना चाहिए। इनफैक्ट बहुत गैप से खुल जाए, 9000 के आसपास आ जाए तो 9131 का जो हाई है वही स्टॉप लॉस का काम करेगा। फिलहाल 9200 मान लें, 8750 ये चार टारगेट है जिसके लिए आपको करनी है बिकवाली, खरीदारी करनी है 8650 से 8800 की रेंज में, ये परफेक्ट रेंज है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, और 8600 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और ऊपर का टारगेट जो बनेगा वो 8900 का बनेगा दीप। तो ये है निफ्टी पर सेल और बाय पोजीशंस। बैंक निफ्टी पर सर कैसे पोजीशंस लेनी चाहिए आज? जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं बैंक निफ्टी, 20350 का स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट करें, 19200 और 19000 ये चार टारगेट बनते हैं नीचे की तरफ के। हालांकि अब मैं धीरे धीरे उम्मीद तो ये कर रहा हूं कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग रेंज है वो थोड़ी सी कम होनी चाहिए निफ्टी की, बहुत ज्यादा होगी इस बार। वैसे भी ऑप्शंस के दाम थोड़े से रीजनेबल होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये रेंज आप रख के चलिए, क्योंकि अगर 927 पॉइंट आपका बैंक निफ्टी बढ़कर आया गुरुवार के सेशन में, 300-350 पॉइंट आपका निफ्टी बढ़ता है, तो अभी भी वो वॉलेटिलिटी खत्म नहीं हो रही है इंट्राडे बेसिस पर। जो लोग खरीदना चाहते हैं, अब खरीदने में यही है ट्रिक कि कहां खरीदा जाए बैंक निफ्टी, क्या 19600-500 में ले लें या 19200 तक का इंतजार करें। अब ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि वैसे जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो 19500-600 से ही खरीद सकते हैं, और जो बहुत पैसिव ट्रेडर है वो 19200 का इंतजार करें, शायद ना आए,
ना आए तो ना आए, अब वही वाली बात है। 19,000 स्टॉप लॉस से ये क्लियर कट है, 19,600, 20,000, 20,300, 20,500 ये चार टारगेट आपको ऊपर के रखने हैं। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी की रेंज और बिकवाली की रेंज। डिप्स पर खरीदारी करनी है 19,200, 19,500 के आसपास। सर, पीसीआर तो अब बढ़कर 1.5 आ गया है, पर विक्स 5% गिरकर 50 के नीचे, इससे क्या क्यूज आते हैं? देखिए, पीसीआर थोड़ा हायर साइड पर है, ऐसे 1.50 के पीसीआर को मैं कभी ज्यादा नहीं मानता, लेकिन आपको याद होगा दो दिन पहले भी हमने कहा कि जब 9,100 पहुंचा था, हमने कहा पीसीआर थोड़ा सा ज्यादा है, और तब आपको करेक्शन 8750 तक का मिला था, ठीक है। तो ये हल्का सा ओवरबोट है, राइटली सो, क्योंकि जिस तरह की तेजी बनी है, जिस तरह से 9,000 के ऊपर की क्लोज मिली है गुरुवार को, जो हफ्ते के आखिरी दिन की क्लोज थी। अब हायर पुट कॉल रेशियो का मतलब क्या है? आप एक करेक्शन का इंतजार करें, 100, 125, 150 पॉइंट का मिल जाए या ज्यादा मिले पता नहीं, उस करेक्शन में आप खरीदें, बजाय इसके कि एकदम सपोज आज गैप से खुल जाए ऊपर की तरफ। वैसे तो अभी एसजेक्स 50 नीचे है, बट यू नेवर नो, अगर समझिए गैप से ऊपर खुल जाए तो फिर आपको खरीदने के लिए इंतजार करना चाहिए। ये सिंपल फॉर्मूला है, तो खरीदने की जल्दबाजी न करें, नीचे के लेवल का इंतजार करें, और बहुत गैप से ऊपर खुल जाए तो प्रॉफिट बुक करें। पुट कॉल रेशियो हल्का सा आपको हायर साइड पर दिख रहा है, रहा सवाल विक्स का, ये कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, विक्स कंफर्टेबल है, पुट कॉल रेशियो थोड़ा आप कह सकते हैं इस सिचुएशन में ओवरबॉट है, वैसे जैसे अनिल जी बता रहे नहीं है। अब सर, फंड फ्लोज की बात करें तो लगातार तीसरे दिन हमने अच्छी खरीदारी देखी है एफआईएस की तरफ से, इसलिए आपने एफआईक्यूज भी आज पॉजिटिव रखे हैं। जी, और खरीदारी और बहुत बढ़िया वाली खरीदारी है, दीप, क्वालिटी के लिहाज से आंकड़े देखें तो तीनों दिन के सबसे बेहतरीन आंकड़े, और शायद इसी वजह से मैं ये सोच रहा हूँ कि बाजार में गिरावट बहुत ज्यादा होगी नहीं, और इसलिए शायद जो लेवल्स पे मैं बेस्ट बाय रेंज सोचकर चल रहा हूँ वहां तक आप पहुंचेंगे भी नहीं। 1738 करोड़ की कैश में खरीदारी तो अच्छी है ही, लेकिन वायदा कारोबार में अब तक दो दिनों से अच्छे आंकड़े नहीं आ रहे थे, वह आंकड़े थोड़े से ढीले थे, लेकिन गुरुवार के सेशन में 750 करोड़ का इंडेक्स, 500 करोड़ का स्टॉक, यानी कि सब जगह खरीदारी के आंकड़े, तो एफआईएस के सबसे बेहतरीन आंकड़े इस फॉल के आपको मिले हैं गुरुवार के सेशन में। ध्यान से सुनिए, मैं फिर कह रहा हूं कि एफआईएस के सबसे बेहतरीन आंकड़े मिले हैं आपको, ये बहुत अच्छा है। तो कम से कम दो चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हो रही है, पहला, बाजार बुरी खबरों पर रिएक्शन कम दे रहा है, अच्छी खबरों पर ज्यादा, दूसरा, एफआईएस की तरफ से दमदार खरीदारी के आंकड़े, ये दो चीजें काफी है जो आपको बाजार में गिरावट से रोक लेगी। और घरेलू फंड का जहां तक सवाल है, 466 करोड़ का बेचा है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ी बिकवाली है घरेलू फंड से, बट एफआईएस की बहुत स्ट्रांग बाइंग आई है, तीन दिनों में अच्छी थी और सबसे अच्छी तो पिछले हफ्ते थर्सडे के दिन थी। सर, एफएनओक्यूज की बात करें तो आपने नेगेटिव ही रखे हैं इस समय सर? हाँ जी, देखिए दो चीजें दीप, एक तो 25 पॉइंट के डिस्काउंट पर है निफ्टी, जो कि थोड़ा कम होना चाहिए आज, इतना डिस्काउंट की कोई वजह है नहीं, 10 लाख शेयर जबकि जुड़कर आए हैं ओपन इंटरेस्ट में, तो मुझे लगता है कि थोड़ा डिस्काउंट कम होगा अगर आप 9,000 के नजदीक आ जाते हैं। डेटा के लिहाज से 9,000 सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए, जहां पर 23 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 7 लाख शेयर पुट में जुड़े हैं गुरुवार के सेशन में, तो आप 9,000 के ऊपर हैं अच्छे हैं, 9,000 के नीचे हैं तो खराब होना शुरू करेंगे। मैं तो फिर कहूंगा 100, 125 पॉइंट घट भी जाए, 9,000 के ऊपर बने हुए तो कोई टेंशन नहीं, तब तक आप मानिए मत, जब तक आप 9,000 के ऊपर आप तेजी में ही हैं, मंदी में है ही नहीं, ये समझ के चलिए। पॉइंट नंबर वन, ऊपर में डेटा बहुत ज्यादा है नहीं, 9,500 अगला बड़ा रेजिस्टेंस दिखता है, बीच में कहीं कोई डेटा है नहीं, बैंक निफ्टी में तो डेटा ही नहीं है, 1,00,000 शेयर का भी ओपन इंटरेस्ट कहीं है नहीं, तो कुछ नहीं, जो डेटा बैंक निफ्टी में मैंने पहले दिए वही देखिए, 145 पॉइंट का डिस्काउंट है, पता नहीं ये डिस्काउंट इतना ज्यादा, जैसे ऊपर जाता है डिस्काउंट बढ़ जाता है, तेजी करने वालों को कमाना मुश्किल है। अब फ्रेश खरीदारी अगर आप नीचे करना चाहते हैं, जैसे 50 पॉइंट या 100 पॉइंट अगर निफ्टी गिर जाए, अब आपकी प्रीमियम ही जो डिस्काउंट 25 पॉइंट का अगर समझिए वो डिस्काउंट निकल गया, तो आपने कमाया क्या? आपको खरीदना 25 पॉइंट ऊपर प्रीमियम पर है, बेचते हो तो आप जैसे ऊपर जाते हैं 25 पॉइंट डिस्काउंट हो जाता है, तो 50 पॉइंट तो आपके 100 में से ऐसे निकल गए, तो थोड़ा सा तेजी करके कमाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन चलिए फ्यूचर नहीं सही, कैश में अगर बाजार मजबूत रहता है तो वो हमारे लिए बड़ी काम की बात होगी। ठीक है, तो सर अहम क्या लेवल्स निकल के आते हैं, वही जो आप सुबह बता रहे थे, एक अहम लेवल जो रहेगा देखने के लिए 19,000, 21,000, जी 19,000, 21,000 ये वो रेंज है जिस पर दीप हमें फोकस करना है, बस उसी रेंज पर फोकस करिए। ठीक है, 19,000 से 21,000 ये एक रेंज है जिस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। देख लेते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन कैसे होगा, हमारे एक्सपर्ट्स भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि उनकी क्या राय है, पर उससे पहले हमारी रिसर्च टीम के साथ जुड़ लेते हैं, जान लेते हैं कि आज खबरों के दम पर किधर स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे, ब्रोकरेजेस क्या बता रही हैं, क्या अहम ट्रिगर्स हैं। पूजा देवांशी आशीष हमारे साथ हैं, गुड मॉर्निंग पूजा, आपसे शुरुआत करते हैं, आज के ट्रिगर्स और स्टॉक्स कौन से हैं?
जी शुरुआत आज के स्टॉक से करते हैं। गोदरेज कंज्यूमर पर आज आप नजर रखिए, क्वार्टर फोर के अपडेट आए हैं जिसमें कि उनका कहना है कि मार्च के अंत तक में मैन्युफैक्चरिंग में और डिस्ट्रीब्यूशन में काफी ज्यादा असर पड़ा है। स्पेशली मार्च के अंत में कोई भी बिक्री इस बार देखने को नहीं मिली है। बिक्री में 10 से 11% की गिरावट आने का अनुमान है। विदेशी कारोबार की आय में भी करीब 5% की गिरावट होने का अनुमान है। कुछ एक बाउंस बैक जरूर देखने को मिलेगा। हायर कंजम्पशन और पर्सनल वॉश का जो कंजम्पशन बढ़ा हुआ रहेगा उसकी वजह से थोड़ा सहारा मिलेगा, लेकिन बाकी सभी सेगमेंट में एक स्लो ग्रोथ देखने का अनुमान है। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स पर आज नजर रखिए। मैसेंजर के बाद कॉग्निजेंट ने भी 2020 के लिए जो गाइडेंस था, रेवेन्यू गाइडेंस, वो विड्रॉ कर लिया है और ये दूसरी बड़ी आईटी फर्म है जिसने ये गाइडेंस विड्रॉ किया है। तो आज तमाम आईटी स्टॉक्स पर नजर रखिए। इसके अलावा कैडिला हेल्थ केयर, ये भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी की डायबिटीज की एक दवा को USFDA की तरफ से टेंटेटिव मंजूरी मिल चुकी है, तो आज आप यहां पर नजर रखिए। और डॉक्टर रेडीज, ये भी फोकस में रहेगा। तेलंगाना यूनिट को USFDA से VAI मिला है और इसके अलावा इसी के साथ ही साथ क्लीन चिट भी मिल चुकी है इस इकाई को, तो आज डॉक्टर रेडीज भी फोकस में रहेगा। इसके अलावा मदर्स एंड सुमी इकरा ने जो लंबी अवधि की रेटिंग है वो AA+ पर बरकरार रखी है, लेकिन उसको वॉचलिस्ट की श्रेणी में डाल दिया है, नेगेटिव इम्प्लीकेशन की श्रेणी में ये डाल दिया है, तो आज मदरसन सुमी भी फोकस में रहेगा। SRF गुजरात की दाहेज इकाई में एसेंशियल गुड के लिए कंपनी ने कामकाज शुरू कर दिया है। उसके अलावा ऑन मोबाइल ग्लोबल कंपनी ने बायबैक को मंजूरी दे दी है। करीब 54 करोड़ का बायबैक है जिसको की मंजूरी दे दी है और 28 रुपये प्रति शेयर के भाव पर यह बायबैक किया जाएगा। और आखिर बात करते हैं ITI की। DRDO के साथ एक करार किया है कंपनी में जिसमें कि पोर्टेबल वेंटिलेटर्स बनाने के लिए ये करार किया गया है, तो आज इस पर भी नजर रखिए। ओके, तो काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर रिएक्शन पर नजर रहेगी। ऐसी कुछ स्टॉक्स और फंड एक्शन देवांशी के पास भी है। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु, आज सबसे पहले TCS और सारे IT कंपनीज पर भी नजर रहेगी, क्योंकि TCS 16 अप्रैल को बोर्ड की बैठक होने वाली है जहां पर नतीजों को जाहिर करने पर बोर्ड विचार करता हुआ दिखेगा। साथ ही विप्रो 15 अप्रैल को इनकी बोर्ड की बैठक है जहां पर फाइनेंशियल्स पर डिस्कशन होते हुए दिखेंगे और नतीजे जाहिर होते हुए दिखेंगे। साथ ही सागर सीमेंट्स, इनका बिजनेस अपडेट आया है मार्च तिमाही का। इनका कहना है कि जो सीमेंट का उत्पादन है वो इस महीने 28% तक घटा है और साथ ही जो सीमेंट की बिक्री है वो इस बार कंसोलिडेटेड बेसिस पर 32% से घटती हुई दिखी है मार्च की तिमाही में। सीमैक, ये स्टॉक फोकस में है जहाँ पे कंपनी को ONGC के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ दिख रहा है। 90 करोड़ के करीब का ये कॉन्ट्रैक्ट है आने वाले 5 साल के लिए। और साथ ही अब देखिए ICICI लॉम्बार्ड, तो कोविड के लिए उन्होंने फ्लिपकार्ट और फूड डिजिटल जनरल इंश्योरेंस के साथ उन्होंने करार किया है COVID-19 से जुड़े हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बिक्री के लिए ये करार किया है। साथ ही IDFC फर्स्ट बैंक, यहाँ पे भी इनका जो क्वार्टरली अपडेट्स हैं वो आते हुए दिखे हैं जहाँ पे उनके जो कासा डिपॉजिट्स हैं वो सालाना आधार पर 163% तक बढ़ते हुए दिखे हैं। और अगर आप तिमाही बेसिस पर भी नजर करें तो 28% तक की बढ़त हमने मार्च की तिमाही में देखी है, ये पॉजिटिव है। और साथ ही इनके जो रिटेल लोन्स हैं उसमें 32% तक की बढ़त हमने सालाना आधार पर देखी है। होलसेल लोन वो लगातार कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तिमाही में करीब 29% तक की गिरावट हमने होलसेल लोन्स में देखी है। साथ ही जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस, इस पर नजर रखिए, जो बोर्ड है इन्होंने 520 करोड़ का जो निवेश है वो शुगर बॉक्स में करेंगे आने वाले समय में। और मैं आपको बता दूं, आप जो चैनल देख रहे हैं वो सी एंटरटेनमेंट से जुड़ी है। और साथ ही फंड एक्शन में टाटा कम्युनिकेशन पर नजर रहेगी जहां पे ईस्ट ब्रिज कैपिटल ने 8 तारीख को करीब 1.5% की जो हिस्सेदारी है खुले बाजार से खरीदी है, इस पर नजर रखें। ओके, तो काफी सारे शेयर्स वहां पर एक्शन में रहेंगे और काफी टाइम बाद ऐसे देखने को मिल रहा है कि TCS से इन्फोसिस से पहले अर्निंग्स नहीं आएंगी, सबसे पहले इस बार विप्रो के अर्निंग्स आने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवांशी ये अपडेट हमें देने के लिए। अब बात करते हैं आज का ब्रोकरेज एक्शन किधर है, बिगुल बजाते हैं FIR का। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए ब्रोकरेज एक्शन किधर है आज। गुड मॉर्निंग दीपांशु, सबसे पहले अगर आप देखें तो टाइटन पर रिपोर्ट आई है, HSBC की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और लक्ष जो है 1180 से बढ़ाकर 1200 कर दिया। ये कह रहे जनवरी फरवरी के बीच में जो ज्वेलरी आए उसमें 16.5% की ग्रोथ देखने को मिली जो इनके अनुमान से काफी बेहतर है, इसके लिए 20 रुपए की बढ़ोतरी की है टारगेट प्राइस में। इसके अलावा HSBC की एक और रिपोर्ट है वोल्टास पर, जहां पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर अब होल्ड की रेटिंग दे दी गई है और लक्ष्य 735 रुपए से घटाकर 545 कर दिया है।
ये कह रहे हैं मध्यम अवधि में एसी बिक्री में दबाव देखने को मिलेगा, आउटलुक थोड़ा सा चैलेंजिंग नजर आ रहा है, जिसके चलते अगले साल की आय में इन्होंने 23% की कटौती कर दी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एचएसबीसी की एक और रिपोर्ट है एशियन पेंट्स पर, जहां पर खरीदारी के राय को बरकरार रखा है लेकिन लक्ष्य जो है 2000 रुपए से घटाकर 1900 रुपए कर दिया है। ये कह रहे बैलेंस शीट मजबूत है, जिसके चलते कंपनी लॉकडाउन की स्थिति में भी बढ़िया प्रदर्शन कर पाएगी। साथ ही अगर आप देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 15 रुपए के लक्ष्य के लिए। कह रहे होलसेल लोन और डिपॉजिट में गिरावट देखी गई है, जिसके चलते थोड़ी सी चिंता देखने को मिल रही है। हमारा राजा बैटरीज पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य है 855 रुपए से घटाकर 780 कर दिया है। कह रहे हैं रिप्लेसमेंट डिमांड मजबूत है लेकिन कोरोना वायरस के चलते जो फिलहाल ओईएम से डिमांड आती है उस पर दबाव देखा जा रहा है, लेकिन क्योंकि डुओपोली बिजनेस है इसके लिए कंपनी के मार्जिन इंटैक्ट देखने को मिलेंगे। क्रेडिट स्वीस की रिपोर्ट है गोदरेज कंज्यूमर पर, जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 630 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि अफ्रीका और भारत में मार्केट शेयर बढ़ा है कंपनी का लेकिन बिक्री पर असर है और अभी फिलहाल अगर आप देखें तो केवल दक्षिण भारत में ही उत्पादन कंपनी शुरू कर पाई है। इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर 2 रिपोर्ट आई है, क्रेडिट स्वीस की रिपोर्ट है जहां पर न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 2050 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि सामान्य से करीब 40% बिक्री घटी है और गोल्डमैन सैक्स की भी रिपोर्ट है जहां पर खरीदारी के राय को बरकरार रखा है करीब 2370 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि 50% स्टोर्स फिलहाल बंद है और बाकी सब में भी कामकाज काफी कम क्षमता पर हो रहा है। तो ये है तमाम वो रिपोर्ट्स जिन पर आज एक्शन रहेगा। चलिए इस पर पूछेंगे राय हमारे एक्सपर्ट से, मिलेंगे उससे पहले शामिल करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स को बिगुल के साथ पिक ऑफ द डे का। और एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ है इस वक्त। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं, दिल्ली से कुणाल जी और राकेश जी हैं ही, और एक और खास मेहमान मुंबई से हमारे साथ हैं, वो है जय ठक्कर। अब आप भी पूछेंगे जय ठक्कर खास क्यों है, खास इसलिए कि आज उनकी जो अपीयरेंस है वो बेहद खास है। कोरोना के संकट के समय जब सब लोग बड़ी मुश्किलों से जूझ रहे हैं, जय ने नया जॉब भी ज्वाइन किया है और जाहिर सी बात है नया जॉब ज्वाइन किया तो प्रमोशन भी हुआ होगा, सैलरी भी बड़ी होगी और वाइस प्रेसिडेंट भी हो गए हैं। अब मैं सैलरी तो खैर क्या पूछूं अभी कि कितनी बड़ी है, लेकिन जय आपको बहुत बहुत बधाई इस नई इनिंग के लिए और उम्मीद करता हूं कि आपकी ये नई इनिंग पिछली जितनी भी इनिंग्स आपने खेली उससे ज्यादा धुआंधार, ज्यादा बेहतर साबित होगी। और एक चीज जो कहना चाहता हूं आपके बारे में वो ये कि आपके चाहने वाले, आपके फैंस बहुत जबरदस्त है और मैं उनमें से एक हूं और उसकी वजह मैं आपको बताना चाहता हूं। कभी आज मौका मिला नहीं, आज मौका मिला तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके कॉल्स जो स्ट्राइक रेशियो है वो तो अमेजिंग, माइंड बोगलिंग है ही, लेकिन आप जितने शांत और संयम भाव के साथ अपने कॉल्स देते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपके कॉल्स इतने बढ़िया हिट होते हैं, लेकिन आप आकर हमारा ये कॉल हिट हो गया, हमारा वैसा एकदम है अनिल जी हमने जो ये बोला था उसका ये टारगेट आ गया है, मतलब इतना वो शांत रहकर ये कहना, ये आपसे सीखने वाली चीज है। तो जय बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपके इस नई पारी के लिए हमारी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच अनिल जी, गुड मॉर्निंग टू यू, बहुत ही बढ़िया मॉर्निंग इनफैक्ट मैं कहूंगा, काफी टाइम के बाद इनफैक्ट मैं भी आना चाहता था जी बिजनेस में, काफी समय से एक मोरेटोरियम पीरियड इसमें भी होता है अनिल जी, कूलिंग ऑफ पीरियड, सो वो तो डेफिनेटली मेंटेन करना ही पड़ता है। बट थैंक यू सो मच फॉर यू नो इनवाइटिंग मी अगेन बैक टू जी बिजनेस एंड बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यू नो आपसे फिर से यू नो इंटरेक्ट करने को, आपसे, दीप से, इनफैक्ट कुणाल जी, राकेश, सभी लोग से, यू नो इट्स लाइक एक फैमिली जैसा फीलिंग हमेशा ही आता है जब भी यू नो जी बिजनेस पे होता हूँ और इंटरेक्ट करता हूँ, और ऐसा लग रहा है कि जो दूसरी मेरी एक फैमिली है उसको फिर से वापस मिल रहा हूँ। सो फैमिली को वापस जब मिलते हैं तो कितनी एक खुशी होती है, वो खुशी आज मैं महसूस कर रहा हूँ अनिल जी, मैं कहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड यस थैंक्स फॉर बेस्ट विशेस एज वेल, यू नो एक नई जॉब के लिए एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, यू नो एक प्रमोशन होता है तो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बट होपफुली यू नो विद ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस ऑफ ऑल ऑफ यू यू नो इसमें भी मैं अच्छा करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और जय हम इस बात को जानते हैं और इसलिए आपने नई पारी की शुरुआत की तो सबसे पहले मेरे साथ शो करने के बारे में सोचा, ये आपका प्यार स्नेह हमारे लिए दिखाता है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जहां भी रहेंगे
अपनी और अपनी कंपनी की जय जयकार करेंगे जय, ऐसा मुझे पूरा पूरा भरोसा है। बताइए आज दर्शकों के अब आपसे थोड़ी उम्मीदें बढ़ गई कि भाई जय सर ने जब नया जॉब ज्वाइन किया तो हमारा गिफ्ट कहाँ है, तो ये बताइए कि आज दर्शकों के लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हैं आप, पिक ऑफ द डे। बिल्कुल अनिल जी, अनिल जी पिक ऑफ द डे में आज जो मेरा एक बायर कंपटीशन है, बाय से स्टार्ट करना चाहूंगा अनिल जी। डेफिनेटली मैं आपकी बात से एक सहमत हूँ कि ओवरऑल यू नो एफआई के आंकड़े काफी पॉजिटिव हो चुके हैं ओवरऑल मार्केट में, यू नो अब जो एक हायर बॉटम देखने मिला है ये थोड़ा बहुत सस्टेन और आगे जाके देखने मिलना चाहिए। और एक स्टॉक जो है जिसमें इतना बाउंस बैक हमें देखने नहीं मिला, लार्ज कैप का है, निफ्टी 50 का स्टॉक है, इसमें इतना बाउंस देखने नहीं मिला, वो है बजाज फिनसर्व। मुझे इसमें ऐसा लग रहा है अनिल जी कि इसमें एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है क्लियरली एक अवर्ली चार्ट्स के ऊपर, और कहीं ना कहीं इसका जो प्रीवियस मूव था अर्ली चार्ट्स पर एक इम्पल्सिव मूव था, यहाँ से फिर से बजाज फिनांस फिनसर्व में एक हमें अप मूव देखने मिल सकता है करीब 48.24 के आसपास इसका हमें क्लोज देखने मिला था, राइट। तो 48.20-24 के आसपास इसका क्लोज देखने मिला था, नीचे में इसका एक सपोर्ट बनेगा 46.90 का, तो मैं कहूंगा स्टॉप लॉस थोड़ा बहुत दूर रहेगा अनिल जी, अगर थोड़ा नीचे ओपन भी होता है तो आई थिंक यू नो घबराने का बात नहीं है, इसे बाई करना चाहिए 46.90 के स्टॉप लॉस के साथ, इसे बाई करें बजाज फिनसर्व को। पहला जो टारगेट रहेगा वो है 49.60 का और दूसरा 5000 का। ओके, तो 49.60 और 5000 के टारगेट के लिए करें आप खरीदारी बजाज फिनसर्व में। बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताइए सर आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, और गुड मॉर्निंग जय, जय आप और जय आपको, जो आपके प्रमोशन हुआ है आपका, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बढ़त हुई है और साथ में जो आपकी सैलरी में बढ़ोतरी हुई है उसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और अनिल जी मेरी पिक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। अनिल जी BEL मुझे लगता है एक मैजिक दिखा सकता है, 67 रुपीज का स्टॉप लॉस है और 75 रुपीज का टारगेट है। ओके, तो BEL में करें खरीदारी, बी फॉर बजाज फिनसर्व, बी फॉर BEL। कुणाल जी आपका भी बी लेटर है। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी सबसे पहले आपको शुभ प्रभात, और अनिल जी साथ ही जय जी को भी बहुत बहुत बधाई उनके पदोन्नति के लिए। और अनिल जी मेरी खरीदारी की राय है, लेकिन अनिल जी जैसे इस सप्ताह जो अंत पे यानी कि वीकेंड पर मैंने चाय का सेवन किया, हर नाना प्रकार की चाय का सेवन किया, और अब मुझे लगता है कि कॉफी खरीदनी चाहिए। टाटा कॉफी खरीदारी की राय है, जहां पर कि एक ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है, बड़ा गैप अप हुआ था कल के ट्रेड में यानी कि बृहस्पतिवार को, और मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो यहां 74 के लक्ष्य से टाटा कॉफी बाय करें, 65 रुपए का स्टॉप लॉस रखने की राय। ज्यादा खरीदें और थोड़े पैकेट बॉक्सेस वगैरह बनवाकर जब भी लॉकडाउन खुल जाए हमें भी भेजें। 14% ऊपर बंद हुआ था गुरुवार को, यहां खरीदारी करने की राय है टाटा कॉफी में, बंसल जी की माफ कीजिए कुणाल जी की तरफ से। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताइए सर अपनी पिक। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग, और जय को बेस्ट विशेस। मैं बाय करके चलूंगा अनिल जी, मेरा कॉल होगा कॉनकॉर्ड 374 का क्लोज है, जो कुणाल जी ने टाटा कॉफी की का जिक्र किया, पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है, और 360 का स्टॉप लॉस आपको लेना होगा 2-3 दिन या मेबी आज और कल के व्यू से 414 तक के अपसाइड में देख रहा हूँ। ओके, 414 के टारगेट के लिए कॉनकॉर में करें खरीदारी, 374 के आसपास हुआ है बंद, 360 का लगाना होगा आपको स्टॉप लॉस। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताइए सर आपकी पिक। गुड मॉर्निंग, फार्मा स्पेस का पिक है अनिल जी, बाय साइड का। लुपिन ने ब्रेकआउट दिया हुआ है, लुपिन ने 200 DMA लेवल्स तोड़े हैं, लुपिन चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है, लुपिन में पिछले हफ्ते में वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छा देखने को मिला है, तो ये स्टॉक के अंदर कोई भी छोटा सा डिप आता है तो उसमें खरीदारी करना है। चार्ट्स के ऊपर स्ट्रक्चर देखते हुए ऐसा लगता है कि लुपिन यहाँ से और भी तेजी दिखाएगा, जिसके अंदर ऊपर में 820 रुपए का पहला टारगेट होगा और फिर 850 रुपए का दूसरा टारगेट होगा, तो लुपिन में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलने की सलाह रहेगी 780-790 के आसपास। नीचे में स्टॉप लॉस इसका बन रहा है 740-750 के आसपास, ऊपर में 820-850 रुपए तक के लेवल्स जल्दी ही लुपिन में देखने को मिलने चाहिए। ओके, जयपुर वाले जैन साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर गुड मॉर्निंग, जैन साहब लिस्ट लंबी है या एक आध स्टॉक खरीदना चाहते हैं, कैसा है मामला? देखिए लिस्ट लंबी है अनिल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग आपको और दीपांशु जी को और पूरी पैनल को, और स्पेशली
जय जी को इनफैक्ट ऑल द वेरी बेस्ट. इनफैक्ट ऐसे समय में इनफैक्ट एक नया असाइनमेंट के साथ, नए जोश के साथ अब वो करेंगे. सर्टनली मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एंड प्रमोशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन भी. एंड दूसरी बात ये है कि स्टॉक्स में सारे लोग बी लेटर को काफ़ी फोकस कर रहे थे. आज हो सकता है कोई बी का टोटकिया भी हो. तो मैंने भी एक भारत रसायन, एक बेहतरीन कंपनी है, एक केमिकल्स की एक बहुत ही अच्छी कंपनी है. पहले भी मैंने रेकमेंड किया था, टारगेट भी अचीव हुए, फिर वापस से करेक्शन के साथ साथ सारी चीज़ें नीचे आई है. तो भारत रसायन एक स्टॉक है. दूसरा मुझे लगता है कि अब देखिए क्रेडिट रेटिंग की बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली है और फाइनेंशियल सर्विसेज में ये एक ऐसी सर्विस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता कि पड़ा होगा. और बिजनेस चल रहा है इनका भी, वर्क फ्रॉम होम टाइप का काम और ऑनलाइन और ये टाइप की चीज है. तो मुझे लगता है इकरा ICRA बहुत अच्छी लगती है मुझे. और तीसरा अमृतांजन, जो कि मैंने काफी बार रेकमेंड किया हुआ है, लास्ट में क्लोजिंग होते होते अच्छा बंद हुआ था परसों. और मुझे लगता है कि जिस रेंज में है ये आराम से ये 400-425 के लगभग हो सकता आने वाले कुछ दिनों में ही दिखा दे. सबसे बढ़िया चीज क्या है, एक FMCG प्ले भी है, फार्मा प्ले भी है और OTC प्रोडक्ट्स बेचता है. और बहुत बढ़िया लगता है मुझे ये कंपनी. मैंने 320 के लेवल से इसको कंटिन्यूअसली रेकमेंड करते आ रहा हूं अनिल जी पिछले कुछ दिनों में. ओके, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जैन साहब की तरफ से जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. कुछ फार्मा नेम्स भी हैं और जैसे कि जैन साहब पहले भी स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे थे, नैम इंडिया की उनकी प्रेफरेंस है, वहाँ पर भी अच्छी परफॉर्मेंस देखिए. तो रेटिंग एजेंसी, फार्मा और केमिकल प्लेस तीनों पर ही नज़र रहेगी. डॉक्टर रेड्डीज इसकी बात करते हैं जय, क्योंकि फार्मा स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम बनते हुए देखा है. डॉक्टर रेड्डीज को आप कैसे देख रहे हैं? ज़्यादा दूर भी नहीं अपने 52-week हाई से, आज पॉजिटिव खबर भी आई, इनके एक प्लांट को क्लियरेंस मिल गई है. तो फार्मा में मोमेंटम आता है तो डॉक्टर रेड्डीज आज क्या करेगा? दीपांशु, फार्मा में तो मोमेंटम डेफिनेटली इतना पॉजिटिव है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला एक सेक्टर जो क्लियर साइंस दिखा रहा है कि शायद बॉटमिंग आउट हो चुका है. बिकॉज एक चीज़ मैं ये कहूँगा दीप, जो ऑब्जर्वेशन में दिख रहा है सारी चार्ट्स पर, वो ये है कि इसमें सारी मोस्ट ऑफ द फार्मा स्टॉक्स में जो वॉल्यूम एक्सपांशन हमें देखने मिला है, बाइंग इंटरेस्ट, वो काफ़ी अमेजिंग रहा. और मैं कहूँगा काफ़ी एक लंबे समय से जो एक बेयर मार्केट में था उसमें से एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है. जहाँ तक डॉक्टर रेड्डीज की है, जैसे आपने सही कहा कि ये भी एक 52-week के हाई के करीब है, ऑल टाइम हाई के करीब है, जैसा डिवीज लैब ने बना दिया है, टोरेंट फार्मा ने बना दिया है. मैं कहूँगा कहीं ना कहीं 3700 के ऊपर अगर ये फिर से निकलता है डॉक्टर रेड्डीज, तो इसमें हमें फिर से एक अपसाइड देखने मिलेगी. उसके बाद 3950-4000 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं. 37 एक अहम लेवल रहेगा दीप, उसके ऊपर निकलता है तो बेशक डेफिनेटली मैं कहूँगा कि बाय करें, फिर स्टॉप लॉस मेंटेन करें करीब 3600 के नीचे और टारगेट करें 39-4000 के लिए. ओके, तो ये है आपके लिए राय. इस बीच एक और स्टॉक है जिस पर मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ, आपके पोर्टफोलियो में भी है कुणाल जी, डीमार्ट, जहां पर रिपोर्ट्स आई हैं. क्रेडिट स्विस ने 2050 का टारगेट दिया है, गोल्डमैन का 2370 का टारगेट है. ये कह भी रहे हैं कि इनके 50% स्टोर बंद है, लेकिन इस वीकेंड पे है ना मुझे भी शॉपिंग के लिए जाना पड़ा और मैं डीमार्ट के हमारे स्टोर में गया था पास में, तो आधा किलोमीटर तो लंबी लाइन लगी हुई थी वहां पर, सोचिए. लेकिन एक चीज जिसकी तारीफ करनी होगी वो ये है कि बाकी सारे छोटे मोटे जितने भी स्टोर्स हैं वो पूरे खाली पड़े हैं, कहीं कोई सामान नहीं, लेकिन डीमार्ट में पूरी तरह से सब सामान भी मिला है. और एक और इंटरेस्टिंग बात जिसके लिए तारीफ दमानी जी की करनी चाहिए, राधा किशन जी दमानी जी की, और वो ये कि अभी भी डीमार्ट में उसी प्राइस पर सामान मिल रहा है, उतने ही डिस्काउंट जो पहले चल रहे थे, जिन पर डिस्काउंट और डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है. ये इस मुश्किल भरे वक्त में आप कोई भी दाम लगाएं, कुछ भी कोई पूछता नहीं, जो सामान आपको खरीदना है आपको मुंह मांगे दाम में खरीदना होता है, लेकिन उस वक्त बजाय आप दाम बढ़ाने के, इनफैक्ट अभी भी डिस्काउंट पर डीमार्ट में सामान मिल रहा है. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी है. डीमार्ट ये बताएं कि क्या इस बात से चिंता करनी चाहिए कि आधे स्टोर ही खुले, या फिर इस बात से खुशी होनी चाहिए कि जो स्टोर खुले वहां भयंकर लंबी आधा एक एक किलोमीटर की लाइन लगी हुई है और लोग दो दो तीन तीन महीनों का सामान एक साथ ही खरीद रहे हैं. अनिल जी देखिए, डीमार्ट के लिए सबसे बड़ी खबर तो ये है कि अनिल सिंह भी अब डीमार्ट के कस्टमर हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि अपने आप में ये पर्याप्त कारण है अनिल जी कि आज भी इसमें ऊपर का सर्किट लगेगा. तो जिस तरह का यहाँ अनिल जी स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक आउट परफॉर्मिंग रहेगा. मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है डीमार्ट पर बोलते हुए, सबका ये मानना है कि बहुत ओवर वैल्यूड है और अपेरेंटली अगर आप फंडामेंटल्स देखें तो डेफिनेटली ओवर वैल्यूड लगता है अनिल जी. लेकिन ये जो स्टॉक है ये ग्रोथ स्टोरी है और ये इंडिया की रिटेल ग्रोथ का प्ले है, तो
तो जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर एनर्जी है ये स्टॉक आउट परफॉर्मिंग रहेगा और मेरी राय में एनर्जी जैसे ही ये 2500 के लेवल्स को पार करता है इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और यहाँ पर 2750-2800 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी यहाँ पर निवेशित रहना चाहिए, जिनके पास भी पोजीशन है स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें और पहला टारगेट जो है वो मेरी राय में 2800 का होना चाहिए। 2800 को बड़ा टारगेट डीमार्ट पे आते हुए पिछले 7 दिनों में 10% की तेजी स्टॉक ने देखी है और पिछले थर्सडे को भी अपर सर्किट था।